नमस्कार। मोदी सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड क्या है? इस कार्ड से आम आदमी को क्या फायदा होगा और यह कार्ड कैसे बनता है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड यह है कि आप ये कार्ड बनने का रीजन यह है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी बीमारी का इलाज कराते हो तो धीरे 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 आपके पास एक फाइल बन जाती है। हर बार डॉक्टर के पास जाते हो, हर बार डॉक्टर को फाइल बताते हो, डॉक्टर हर बार फाइल देखता है, उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट करता है। इसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है और काफ़ी नई नई जाँचें भी होती है। डॉक्टर को हर बार आप नए डॉक्टर के पास जाओगे तो हर बार वो फाइल ले जानी पड़ेगी और पूरी हिस्ट्री उसको बतानी पड़ेगी। अगर यह हेल्थ कार्ड आपके पास बन जाएगा ना, तो डॉक्टर उस हेल्थ कार्ड से देख के आपकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आपको ये बीमारी है और आपको इस चीज़ से एलर्जी है और आपके पहले ये टेबलेट चल रही है। सारा सब कुछ उस हेल्थ कार्ड में ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड चढ़ जाएगा। जैसे आधार कार्ड की 14 अंकों की आईडी होती है, वैसे ही हेल्थ आईडी भी 14 अंकों की आईडी होगी और ऐसा एक कार्ड आपको बनेगा। उस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फाइल की डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो कार्ड आप लेके गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ऑनलाइन उस कार्ड को चेक करेगा और आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री उसमें आ जाएगी। क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखते हैं, क्या क्या पहले आपने दवाएं लिए, क्या क्या कौन कौन से ऑपरेशन पहले आपने कराए हैं, सारा सब कुछ उस मेडिकल हिस्ट्री उस कार्ड में आ जाएगा। तो ये कार्ड बहुत ही फायदेमंद होगा हर आम इंसान के लिए और हर हॉस्पिटल में उस कार्ड सेंट्रलाइज होगा। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे और उस कार्ड में अगर 14 अंकों की आईडी डाली ना, तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उस कार्ड में आ जाएगी। अब यह कार्ड बनता कैसे है और इस कार्ड का फायदा क्या है, आइए देखते हैं। अपन हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर https://healthid.ndhm.government.in रजिस्टर पर, फिर आपको आधार से हेल्थ आईडी जनरेट करनी होगी। आधार कार्ड पर क्लिक करें या आप मोबाइल नंबर के जरिए भी हेल्थ आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, आप आधार से हेल्थ आईडी जनरेट कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी हेल्थ आईडी जनरेट कर सकते हैं। फिर आधार और मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसे एंटर करें। अब नया फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म में जिसमें जो पूछी गई जानकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपलोड करनी है। जैसे ही फॉर्म खुलेगा आपको आधार कार्ड, आपका नाम पता जो भी है, जब कुछ जो भी जानकारी वो मांगेगा वो जानकारी आपको भरनी है। वो जानकारी सबमिट करने के बाद में आपकी हेल्थ आईडी जनरेट हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आपको जब आप शुरुआत में हेल्थ कार्ड बनाएंगे ना, तो शुरुआत की जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है फर्स्ट बार, वो आपको एक बार अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे, यानी साल भर बाद भी हॉस्पिटल जाओगे, जैसे वो कार्ड डाला उस कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली आपने जो भी इलाज कराया वो सारी हिस्ट्री उस कार्ड में चढ़ जाएगी। या फिर आप 5 साल भी हॉस्पिटल में गए, वापस कुछ भी छोटी मोटी दवाएँ ली या कुछ भी टेबलेट किया, वो कार्ड वार्ड डालेंगे, ऑटोमेटिक वो हिस्ट्री उस कार्ड में चढ़ जाएगी। तो सबसे बड़े बेनिफिट इस कार्ड का यह है। अब इस कार्ड का आपको फायदा क्या है ये जानेंगे। देखिए कार्ड से आपको क्या क्या फायदे होंगे। देखिए कार्ड में आपकी हेल्थ से जुड़ी पूरी जानकारी एक डिजिटल फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगी, दर्ज होती रहेगी। जब भी आप इलाज के लिए जाएंगे, पुराने सभी रिकॉर्ड वहीं डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस आपके हेल्थ से जुड़ी जानकारी सारी डिजिटल फॉर्मेट में इस कार्ड में जुड़ती जाएगी। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कोई पुरानी फाइल नहीं ले जानी होगी, सिर्फ कार्ड लेके जाना होगा। डॉक्टर कंप्यूटर में जैसे कार्ड डालेगा, आपकी सारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उस कार्ड से खुल जाएगी और डॉक्टर देख लेगा कि आपको क्या क्या बीमारी है और क्या क्या आपका पुराना इलाज चल रहा है, सारा नॉलेज उस डॉक्टर को हो जाएगा। सेकंड, डॉक्टर के पास आपकी पुरानी बीमारी ट्रीटमेंट की हिस्ट्री, किन किन दवाओं से आपको एलर्जी है, सारी सब कुछ जानकारी उस डॉक्टर को पता चल जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके मेडिकल
रिकॉर्ड को देखकर डॉक्टर को सारी चीजें पता चल जाएगी। इसमें नई जांचें में लगने वाला समय की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। इसके सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई भी नई जांचें करानी है, आपके पास अगर पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा तो डॉक्टर दोबारा नई जांचें लिख देता है, लेकिन जब पुरानी जांचें आपको डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्टर को मिल जाएगी ना, तो उसमें लगने वाला समय की बचत होगी और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पैसे की भी बचत होगी। तो आज के टाइम में डिजिटल फॉर्मेट हेल्थ कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कितनी बार बार कौन सी फाइल लेके जाओगे, बार बार कैसे अपना डॉक्टर को अपना मेडिकल हिस्ट्री बताओगे। तो इस कार्ड से आपकी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को पता चल जाएगी और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। फोर्थ, यह कार्ड पूरे देश में काम करेगा, इसमें जो भी डेटा है सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि जितने भी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उस सारे हॉस्पिटल में यह कार्ड काम करेगा। भले आप दिल्ली जा रहे हो, भले अहमदाबाद जा रहे हो, भले MP जा रहे हो, भले UP जा रहे हो, कहीं कोई से भी हॉस्पिटल अगर आपने इलाज कराना है ना, तो बस वो कार्ड लेके चाहिए। जैसे ही कार्ड वहाँ एंटर होगा, आपकी सारी हिस्ट्री वहाँ खुल जाएगी और आपको वहाँ नहीं कोई पुरानी फाइल ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, पहली बार आप जब कोई कार्ड बनाएंगे तो आपको खुद ही वो रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे, उसके बाद फिर आगे अपने आप अपलोड होते जाएंगे। जब शुरुआत में आप कोई नया कार्ड बना रहे हो, पहली बार बना रहे हो, तो आपको आपकी जो भी हिस्ट्री है एक बार उस कार्ड में डालनी है। सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार जब भी आप गए, फिर आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वो कार्ड बताया और जैसे आपने कोई इलाज कराया, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर वो कार्ड में आपकी जो डिजिटल जानकारी, जो भी आपने इलाज कराया, उस कार्ड में चट जाएगी। तो इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को पता चल जाएगी, जांच में लगने वाला समय और पैसे की आपको बचत होगी। तो ये योजना बहुत ही अच्छी योजना और बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।